पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा सिपाही का पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र का है। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र अंतर्गत पीटीसी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक पीटीसी के सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सिपाही का शव उसके कमरे में बेड पर पड़ा मिला। सुबह जब परेड में हेड कांस्टेबल नहीं पहुंचा तो उसके साथियों ने उसे फोन किया। फोन नहीं उठा तो सभी उसके रूम में पहुंच गए। कमरे में हेड कांस्टेबल बेड पर पड़ा था। आनन फानन ने मुरादाबाद के जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हेड कांस्टेबल की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पीटीसी में एक आर्मोरर पद पे एक था तैनात जिसकी मौत हो गई है। इसके संबंध में पंचायतनामा करके बॉडी मृतक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई उनकी तहरीर और अन्य पहलुओं की जाँच की जा रही है। जो भी आवश्यक होगा वो कार्रवाई की जाएगी। क्यों किसी मौत का कारण कुछ अभी पता चल सका है? अभी पीएम हो जाएगा तो इसलिए स्पष्ट होगी कि क्या रीजन था, किस कैसे मौत हुई। बाकी जो भी होगा वो विधिक कार्रवाई की जाएगी।